आपके सामने हाजिर हूँ एक कार्यक्रम लेकर थायराइड की बात। यह कार्यक्रम हम रोटरी क्लब और डायबिटीज सपोर्ट वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से कर रहे हैं। आज हम लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम थायराइड की बात। इस कार्यक्रम के लिए आज हमारे साथ है लखनऊ के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डायबिटीज थायराइड और हार्मोन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण पांडे, जो कि लखनऊ गोमती नगर स्थित सहारा लखनऊ एंडोक्राइन डायबिटीज एवं थायराइड क्लिनिक के कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। आज आप हमसे जुड़े हैं यूट्यूब लाइव प्रोग्राम से, जो आप अपने क्वेश्चन अपने प्रश्न कमेंट कर सकते हैं या 8005104444 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर सर, प्लीज। नमस्कार। तो आज हम चर्चा करेंगे थायराइड की बात पे। नमस्कार, सॉरी फॉर द डिले। तो हम जो है आज थायराइड की बात करेंगे। आज हम इस कार्यक्रम में देखेंगे थायराइड की बीमारी कितनी बड़ी परेशानी है, इसके बारे में कैसे निदान करना चाहिए, क्या क्या हमारे मिथक है थायराइड की बीमारी के बारे में, और ऐसे बहुत सारे जो हमारे मन में डाउट होती है, भ्रांतियां होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर आप 8005104444 नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो बिना देर किए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। भारत में थायराइड कितनी बड़ी परेशानी है, लगभग 10 में से एक व्यक्तियों को थायराइड की समस्या है और वह इससे पीड़ित है। इसके अलावा 8% लोगों को सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि जिनका रिपोर्ट बॉर्डर लाइन है, थायराइड की बीमारी बॉर्डर लाइन है। यह समस्या महिलाओं में अधिक होता है। यदि 10 लोग को थायराइड की बीमारी है तो 7 लोग इनमें से फीमेल होंगे या महिला होंगे और 3 व्यक्ति पुरुष होंगे। तो यह अनुपात 7:3 का है, 7 फीमेल 3 मेल। यह दिक्कत 35 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों में ज्यादा होने की संभावना होती है। इसलिए बहुत सारे गाइडलाइंस यह कहती है कि यदि आपकी उम्र 35 साल के ऊपर है तो आप थायराइड का जांच कराएं। उसके बाद हर 3 साल पे कम से कम एक बार थायराइड की जांच जरूर कराएं। थायराइड की परेशानी कई बार परिवार में चलती है, तो इसलिए अगर हमारे परिवार में किसी को ऐसे सिम्टम्स हो रहा है तो जरूर इसको देखें और उसकी जांच करा के बीमारी को अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करें। आइए हम जानते हैं थायराइड के बारे में। थायराइड एक तितलीनुमा ग्रंथि है जो कि हमारे विंड पाइप के पास स्थित होती है। अगर जैसे हम चित्र में देखें, पर्पल कलर का जो ग्लैंड दिख रहा है तितलीनुमा, यह थायराइड ग्लैंड है। यह विंड पाइप के आगे होता है। यह हमारे शरीर के कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारी हृदय गति से लेकर हमारी शरीर के ऊर्जा के स्तर, हर चीज को प्रभावित करता है। इसलिए जब थायराइड ग्रंथि के साथ कोई भी समस्या हो तो यह हमारे पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। तो थायराइड हार्मोन कौन से शरीर के हिस्से पे यह काम कर सकता है, करता है। इससे पहले हम जानते हैं हार्मोन क्या होता है। हार्मोन वह रसायन है जो संदेश को रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में ले जाते हैं और यह हमारे दिमाग, थायराइड ग्रंथि, दिल, मांसपेशियां, पाचन तंत्र, त्वचा, हड्डी, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स पे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डालता है। थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखने में मदद करता है। यदि हमारे मस्तिष्क पे असर पड़े तो मतिमंदता होने का डर रहता है, हार्ट फेलियर होने का डर रहता है, मांसपेशियों में कमजोरी होने का डर रहता है, हड्डियां कमजोर होने का डर रहता है। सो इसलिए थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे शरीर को अच्छी तरह से काम करने में मदद करने के लिए। इसके अलावा बचपन में हाइट के लिए बहुत जरूरी होता है, प्रजनन के लिए बहुत जरूरी होता है थायराइड हार्मोन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे थायराइड हार्मोन
काम करता है। थायराइड की समस्या किस प्रकार की होती है? थायराइड की समस्या कई प्रकार की होती है, इनमें से कुछ है जिसमें थायराइड ग्रंथि की कार्य प्रणाली में बदलाव हो जाता है अथवा थायराइड के संरचना में परिवर्तन के कारण थायराइड की दिक्कत हो सकती है। तो जो कार्य प्रणाली में दिक्कत बदलाव होने के कारण जो दिक्कत होती है उसे हम कहते हैं फंक्शनल थायराइड डिजीज। इन समस्याओं में स्तर के साथ थायराइड हार्मोन का असंतुलन शामिल है, इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्रंथि बहुत कम थायराइड हार्मोन बनाती है और हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक थायराइड हार्मोन तैयार करती है। तो ये तो रहा फंक्शनल थायराइड की समस्या के बारे में। अब हम जानते हैं स्ट्रक्चरल थायराइड समस्या के बारे में। स्ट्रक्चरल थायराइड समस्या में एक सिंगल नोड्यूल यानी कि इसको हम लोग सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल कहते हैं मेडिकल भाषा में, अगर ये हो जाए या मल्टीपल नोड्यूल हो जाए जिसे कि हिंदी में हम गंडमाला कहते हैं, मल्टी नोड्यूलर गोइटर। तो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर को हम लोग कहेंगे सिंगल नोड्यूल वाली बीमारी या मल्टीपल नोड्यूल वाली थायराइड की बीमारी को हम लोग स्ट्रक्चरल थायराइड डिसऑर्डर कहेंगे। तो इसका निदान कैसे किया जा सकता है? इसका निदान सर्वप्रथम तो मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें अक्सर हम लोग जो है शरीर में परिवर्तन के बारे में जैसे कि वजन कितना रहा, तापमान कैसा है, ठंड अधिक लगने रही है, ऊर्जा का स्तर कैसा है, कब्जियत तो नहीं रह रही है, इसके बारे में पूछते हैं। बच्चों में जो है हम लोग पूछते हैं कि हाइट ठीक से बढ़ रही है, क्लास में पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं, महिलाओं में महावारी कैसा आता है और कहीं इनफर्टिलिटी तो नहीं हो रही, इस सारे सवाल को पूछते हैं। फिर हम डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जैसे कि स्किन कैसा दिख रहा है, बाल कैसा है, त्वचा बहुत सूखी तो नहीं है। फिर उसके बाद थायराइड ग्रंथि का आकार हम गर्दन के पास नापते हैं, कहीं उसका साइज बढ़ा तो नहीं या हमें कोई नोड्यूल या गांठ महसूस तो नहीं हो रही है। ये रहा दोस्तों मेडिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बारे में। अब हम ब्लड टेस्ट क्या करते हैं? अगर हम सिंगल टेस्ट कहेंगे जिससे हमें थायराइड की बीमारी पकड़ने में मदद मिलती है तो वह टेस्ट हम अक्सर TSH टेस्ट होता है, जिससे हमें अधिकांश समस्याओं के बारे में पता चल जाता है और उसके बारे में हम जान सकते हैं कि हाँ हमारा शरीर ज्यादा हार्मोन तैयार कर रहा है या कम हार्मोन तैयार कर रहा है। इसके अलावा हम T3-T4 हार्मोन देखते हैं, इससे यह निर्धारित करने में मदद मिलता है कि क्या हमारे रक्त में थायराइड हार्मोन बढ़ा है या घटा है, कितना उपलब्ध है वो। थायराइड एंटीबॉडी एक टेस्ट होता है जो अक्सर थोड़ा कॉस्टली होता है, पर इसे हम बॉर्डरलाइन केसेस में जहां हमें शंका है कहीं क्लियर कट थायराइड की बीमारी है या नहीं, या जो है हमें TSH, T4, T3 से मदद नहीं मिल पा रहा, एक्स्ट्रा टेस्ट की या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत है जिसके माध्यम से हम ये तय कर सके कि हाँ थायराइड की बीमारी है, तो उस समय हमें एंटीबॉडी टेस्ट की जरूरत पड़ती है। और एक टेस्ट होता है जो हम कई बार करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन। यह टेस्ट हमें मदद करता है हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन ज्यादा तैयार हो रहा है। तो यह हमें यह मदद करता है क्या हमारे थायराइड का अपटेक ज्यादा है रेडियो एक्टिव आयोडीन का या कम। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे थायराइड में ज्यादा हार्मोन तैयार हो रहा है, या अपटेक कम है तो हम इसका मतलब हमारे थायराइड में हार्मोन ठीक से तैयार नहीं हो रहा है फिर भी लेकिन हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ है। तो इन दोनों हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट अलग होगा। तो रेडियो एक्टिव आयोडाइन टेस्ट जो है अक्सर हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म में करते हैं और इससे हमें मदद मिलता है ये जानने के लिए कि कौन सा ट्रीटमेंट हम लोग इसमें करें। अब अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड यह टेस्ट अक्सर हम लोग स्ट्रक्चरल थायराइड डिजीज के बारे में जानने की मदद करते हैं, जैसे कोई गांठ अगर है, गांठ की आशंका है, या बहुत सारे गांठे हमको एग्जामिनेशन में फील हो रहा है थायराइड ग्लैंड में, तो ऐसे स्थिति में हमको अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ेगी। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या FNAC से हम कहते हैं, अक्सर यह टेस्ट हम लोग कैंसर का संदेह होने के स्थिति में करते हैं। अगर हमें संदेह है कि कहीं जो ये ग्रंथि कैंसरस तो नहीं है, हमारे एग्जामिनेशन में या हमारे अल्ट्रासाउंड करने के दरमियान हमें ऐसे फीचर्स लगे जहां पे हमें संदेह हो रहा है कि कहीं
या कोई गड़बड़ गांठ तो नहीं है, तो उस स्थिति में हम लोग एफएनएसी यह टेस्ट करते हैं। और निदान के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सामान्य सेवा में प्रयोगशाला में अनुसार भिन्नता हो सकती है, जैसे कि एक लैब जो कि सेम है उसका यूपी में अलग नॉर्मल रेंज हो सकता है, साउथ की तरफ अलग नॉर्मल रेंज हो सकता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नॉर्मल रेंज हो सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम लोग लोकेशन स्पेसिफिक नॉर्मल रेंज देखें, ना कि जो है एक नॉर्मल रेंज हम जो है जो कॉमन सब जगह पे यूज करें। अगर हमारा थायराइड हार्मोन सामान्य सीमा से ऊपर है या नीचे है, तो हमें डॉक्टर से मिलके उनसे परामर्श लेना चाहिए और हमें थायराइड की बीमारी किस प्रकार के, इसमें क्या करना चाहिए यह डिस्कस करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान भी हम लोग थायराइड हार्मोन की जांच करते हैं। सामान्य थायराइड हार्मोन की सीमा गर्भावस्था के दरमियान थोड़ा अलग होता है, तो हमें यह इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नॉर्मल रेंज हम लोग नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे यूज कर रहे हैं वह हम लोग प्रेगनेंसी के दरमियान ना इस्तेमाल करें। जिन मरीजों को जल्द ही हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म होने का पता चलता है, जैसे कि हर 6 से 8 सप्ताह में हम लोग प्रेगनेंसी के दरमियान टेस्ट करते हैं। हालांकि मरीजों के अनुसार स्थिति में भिन्नता हो सकती है, डिपेंड कर सकता है, पेशेंट टू पेशेंट हम जज कर सकते हैं कि कुछ पेशेंट्स को हम लोग और लंबे 3 महीना 6 महीना डिपेंड अपॉन कैसा कंडीशन है, कैसा थायराइड हार्मोन पहले से रहा है, कैसा कंट्रोल रहा है, क्या अभी कोई चेंज होने की उम्मीद है, तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए यूजली हम लोग नॉन प्रेगनेंट स्टेट में 6 to 8 weeks में करते हैं। प्रेगनेंसी के दरमियान यही चीज हम लोग 1 महीने पे करते हैं, और अगर ये कंट्रोल में है तो हम लोग इस टेस्टिंग के टाइम को धीरे 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 बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। यूजली सबसे पहला टेस्ट जो हम लोग करते हैं TSH, जिसको हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थायराइड की समस्या को पता लगाने के लिए सबसे आम परीक्षण TSH है। अगर यह हमारा सामान्य है तो 99% हमें कोई और थायराइड की बीमारी होने की संभावना कम है। अगर हमारा TSH ज्यादा है तो इसे हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, यानी कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम तैयार हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, TSH हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन के पास है वहां पे तैयार होता है, और T4 T3 थायराइड ग्लैंड में तैयार होता है। तो TSH अगर T4 T3 थायराइड में कम तैयार होगा तो पिट्यूटरी TSH हार्मोन ज्यादा तैयार करता है। तो TSH बढ़ा है, हार्मोन TSH बढ़ा है, पर T4 T3 कम होगा, इसलिए हम लोग इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे और शरीर में थायराइड हार्मोन कम तैयार हो रहा है। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि हमारे शरीर में TSH हार्मोन कम तैयार हो रहा है, या अक्सर तब होता है जब हमारे शरीर में T4 T3 हार्मोन ज्यादा तैयार हो रहा है, जिसके कारण से वो हमारे पिट्यूटरी को मैसेज दे रहा है कि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में T4 T3 है और TSH तैयार होना बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से हम TSH के बेसिस पे यह जान सकते हैं कि हमारा थायराइड हार्मोन कम तैयार हो रहा है या ज्यादा तैयार हो रहा है। यदि TSH हमारा ज्यादा है तो हम इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, अगर हमारा TSH कम है तो इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, सामान्य सीमा में प्रयोगशाला के अनुसार भिन्नता हो सकती है। अगर हमारा TSH सामान्य सीमा से ऊपर या नीचे है तो हमें अपने चिकित्सक से मिलके परामर्श लेने की जरूरत है, उनसे मिलके जरूर जाने। गर्भावस्था के दौरान सामान्य TSH की सीमा गैर गर्भवती महिला से अलग होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है इस नॉर्मल रेंज को जाने। अब हम जानते हैं थायराइड हार्मोन के संकेत या लक्षण, अगर हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, इनका हमें संकेत क्या मिलेगा, इनका लक्षण क्या होंगे। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में और हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके बारे में हम बात करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में अक्सर वजन हल्का बढ़ता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हल्का बढ़ता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, हल्का बढ़ता है, 3 से लेकर 5 किलो अक्सर बढ़ता है। थकान होती है,
ऊर्जा में क्षति होती है, ठंड महसूस होता है, चेहरे तथा टखनों में पैरों में सूजन होती है, मासिक धर्म यानी कि महावारी लंबी या भारी अनियमितता हो सकता है, रूखी त्वचा हो सकती है, मूड में बदलाव यानी कि डिप्रेशन या थोड़ा सा लो मूड हो सकता है, कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन होने की शिकायत हो सकती है। तो हाइपोथायरॉइडिज्म में वजन हल्का बढ़ना, थकान, ठंड महसूस होना, चेहरे हाथ पैरों में सूजन, मासिक धर्म में परिवर्तन, रूखी त्वचा, मूड में बदलाव या कब्ज, इन अगर यह लक्षण है तो हमें हाइपोथायरॉइडिज्म होने का चांस है। हाइपरथायरॉइडिज्म में अक्सर वजन घटता है, चिंता होने लगती है, हम अस्थिर महसूस करते हैं, अनियमित हृदय गति होती है, कभी कई बार हमको हमारी धड़कन महसूस होती है, गर्मी महसूस होने लगती है, पसीना आने लगता है, सांसों का फूलना हो जाता है, विजन में बदलाव होता है या आंखों में उभार होने लगती है। तो यह सारे दिक्कत होने का डर रहता है, यह सारे दिक्कत हाइपरथायरॉइडिज्म में होता है। अब हम जानते हैं अक्सर हाइपोथायरॉइडिज्म के साथ और कौन सी बीमारी जुड़ी होती है। तो ऑल दो डायबिटीज और हाइपोथायरॉइडिज्म रिलेटेड नहीं है, पर दोनों बहुत आम है, इसलिए जो है हमें जो है बहुत सारे दिक्कत होने का डर रहता है। इस स्लाइड पे आगे से बढ़ने से पहले एक प्रश्न आया है, हम उसको लेते हैं। हेलो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी रेगुलर पेशेंट हूँ, मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जो थायराइड की दवाई वो हमारे लाइफ टाइम तक खानी होगी या कोई फिक्स टाइम है जिसे खा के हम अपना ये प्रॉब्लम का सलूशन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर जोगी सिंह। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जोगी जी। मैं भी आपके सवाल, अक्सर जो है हाइपोथायरॉइडिज्म जो होता है थायरॉइड ग्लैंड के डिस्ट्रक्शन के कारण होता है, जैसे एक बार उंगली कट जाए ठीक से फिर से नहीं रीजनरेट हो सकता है, उसी तरह से अगर थायरॉइड की दिक्कत हो जाए तो थायरॉइड वापस रीजनरेट नहीं करता है, और इसी कारण जो है अगर एक बार थायरॉइड की दवाई चालू हो तो अक्सर वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, पर जो है डिपेंड करता है, रेयरली, वेरी रेयरली, कुछ अगर अलग किस्म के हाइपोथायरॉइडिज्म है या थायराइड की दिक्कत है उस केस में बंद हो सकता है, नहीं तो ये मैं कहूंगा 10 में से 9 लोग जिनको थायराइड की दिक्कत हाइपोथायरॉइडिज्म है उनमें जो है दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। ओके सर, टेक केयर जोई जी। सो कौन सी दिक्कतें हमारे शरीर में हो सकती है अगर हाइपोथायरॉइडिज्म उसके साथ एसोसिएट हो सकता है? जैसे कि मैं पहले कह रहा था, मधुमेह और हाइपोथायरॉइडिज्म बहुत कॉमन है, इसलिए वो दोनों साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। रोटरी क्लब का एक इस बार नारा है, एक चम्मच चीनी कम, चार कदम आगे, मतलब चीनी या कैलोरीज वाली चीजें हम कम खाएं और चले ज्यादा, ये बहुत अच्छा नारा है डायबिटीज के लिए। अगर हम खाना कम खाते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही खाते हैं, ये अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो हम खाना कम खाते हैं, साथ में व्यायाम ज़्यादा करते हैं, तो अगर हमें डायबिटीज़ नहीं हुआ है तो डायबिटीज़ होने का चांस कम हो जाएगा, और यदि हमें डायबिटीज़ हो गया है तो हमें डायबिटीज़ कंट्रोल करने में अच्छी मदद मिलेगी। तो ऑल्दो डायबिटीज़ और थायराइड बहुत अच्छे से रिलेटेड नहीं है, पर जो है ये दोनों मोस्ट कॉमन एसोसिएट है। इसके अलावा हाइपोथायरॉइडिज्म के साथ उच्च कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल के विकार होने का चांस होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस होता है, अवसाद यानी कि डिप्रेशन होने का चांस होता है, अनीमिया यानी कि जो है खून की कमी होने का चांस रहता है, साथ ही साथ इनफर्टिलिटी होने का चांस रहता है, यानी कि बच्चे होने में दिक्कत होने का चांस होता है। तो मधुमेह ऑल्दो थायराइड के साथ बहुत सारा मिलता है, पर अगर हम डायरेक्ट रिलेशनशिप कहेंगे थायराइड के साथ तो कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डिप्रेशन का होना, खून की कमी या इनफर्टिलिटी, ये सारे दिक्कत थायराइड की दिक्कत के साथ एसोसिएट करती है। अब हम लोग बात करते हैं थायराइड और गर्भावस्था के बारे में। गर्भावस्था के दरमियान होने वाली बहुत सी चीजों के कारण
हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। आपको थायराइड ग्रंथि के आकार लगभग 10% तक बढ़ जाता है और हार्मोन उत्पादन लगभग 50% अधिक हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दरमियान हमारे थायराइड ग्रंथि में क्या चेंज होता है, उसका साइज लगभग 10% बढ़ जाता है और जो हार्मोन हमारे शरीर में तैयार होता है वह लगभग 50% ज्यादा तैयार होने लगता है। इसलिए जो T4 T3 का जो कट ऑफ होता है प्रेगनेंसी के दरमियान जो नॉन प्रेगनेंट स्टेज है उससे लगभग 1.5 गुना हो जाता है। तो कई बार लोग परेशान होते हैं, अरे हमारा T4 T3 बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी के दरमियान, पर एक्चुअली कई बार हम गौर से ये नहीं देखते कि वो जो नॉर्मल कट ऑफ दिया गया है लैब ने वो नॉन प्रेगनेंट सी स्टेट के है, प्रेगनेंसी स्टेट के लिए जो है कट ऑफ डिफरेंट है। तो माँ में क्या क्या दिक्कत हो सकता है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है माँ में, खून की कमी हो सकती है, प्रसवोत्तर रक्तस्राव हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, यानी कि हार्ट की दिक्कत होने का दर्द। ये तो दिक्कत है ब्लड प्रेशर, खून की कमी, प्रसव में रक्तस्राव और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये तो रहा माँ में। भ्रूण में मृत जन्म होने का डर रहता है, विकास में मंदता होने का डर रहता है, जैसे कि मतिमंदता होने का डर रहता है, सामान्य समय से जन्म पहले हो सकता है, आपरा यानी प्लासेंटा की दिक्कत होने का डर रहता है, बच्चों में जन्म के समय शिशु का वजन कम हो सकता है, कम आईक्यू हो सकता है। तो यह सब दिक्कत हाइपोथायरॉयडिज्म कर सकता है माँ में, भ्रूण में, बच्चे में। तो इससे आगे बढ़ने से पहले और एक सवाल है, हम इस सवाल को लेते हैं। हेलो, हाँ आपका नाम बताइएगा। बताइए संजय जी। सर कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बाहर के पेशेंट हैं सर, तो कभी कभी सेम ब्रांड की दवा नहीं मिल पाती है, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने संजय जी। हाँ पूछिए, आप कुछ और पूछ रहे थे संजय जी। जैसे सर कहते हैं जो मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिया जा सकता है, क्योंकि सर हर रेंज मिल नहीं पाती है? तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने संजय जी। जो है कुछ बीमारियां होती है जहां पे ब्रांड चेंज नहीं करना चाहिए है, जैसे कि मिर्गी की बीमारी, जहां पे अगर हम ब्रांड चेंज करें तो हमारा कंट्रोल बिगड़ सकता है, मिर्गी के दौरा पड़ सकता है। उसी तरह से थायराइड की भी बीमारी ऐसी है जहां पे ब्रांड नहीं चेंज करना चाहिए। ये बहुत अच्छे रिसर्च में दिखाया गया है, रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि अगर हम ब्रांड चेंज करते हैं तो हमारा थायराइड का कंट्रोल बिगड़ सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम जो है थायराइड की बीमारी में ब्रांड न चेंज करें, जिससे हमारा कंट्रोल बिगड़ सकता है। सो आई होप मैंने आपके सवाल को ठीक से जवाब दिया होगा दिलीप जी। ठीक है जी। तो हमारे होस्ट दिलीप जी ने यह कॉल ट्रांसफर किया था और जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा संजय जी ने। तो अब आगे बढ़ते हैं थायराइड और गर्भ अवस्था के बारे में, इसकी निगरानी कैसे करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तिमाही में हमारा TSH 2.5 से नीचे होना चाहिए, दूसरे और तीसरे तिमाही में हमारा TSH जो है 3 के करीब होना चाहिए। सो ये बहुत जरूरी है कि हम इस रेंज को ध्यान रखें। नॉर्मल नॉन प्रेगनेंट स्टेज से हमारा TSH का रेंज प्रेगनेंसी के दरमियान अलग होगा, तो इसलिए हमारा थ्रेशोल्ड जहां पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे वो अलग होगा। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, प्रेगनेंसी के दरमियान अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो वो बहुत सारे दिक्कतें कर सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दरमियान हमें थायराइड बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। दिशा निर्देश बताते हैं गर्भावस्था के पुष्टि होने पे थायराइड का परीक्षण किया जाना चाहिए। प्रयोगशाला के अनुसार सीरम TSH के वैल्यू में भिन्नता हो सकती है, निम्नलिखित चार्ट से हम गर्भावस्था के दौरान सामान्य सीमा के बारे में जान सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के उपचार के बारे में। उपचार से आपको अधिकांश सभी लक्षणों में राहत मिल सकती है। मोस्ट ऑफ द लक्षण जो थायराइड में होता है अगर हम ठीक उपचार करें तो इन सारे लक्षणों से हमें राहत मिल सकती है। उपचार की योजना बनाने के लिए आपको डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, आपको भी डॉक्टर के साथ हेल्प करना चाहिए, सो दैट हम लोग मिलकर एक अच्छा डिसीजन ले सके जो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल हो।
हाइपोथायरॉयडिज्म के उपचार में प्रतिदिन थायराइड हार्मोन की गोलियां लेनी अक्सर पड़ती है और यह अक्सर लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। अभी जैसे कि एक सवाल आया था, यह सवाल था और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, थायराइड की दवाई को बंद नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह से। आपको थायराइड हार्मोन के खुराक में बदलाव लगभग हम लोग 6 से 10 सप्ताह में करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट हम लोग यह ड्यूरेशन अलग हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के उपचार के बारे में 3 मुख्य उपचार हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, माफ कीजिएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म के इलाज में 3 मुख्य इलाज है। इनका प्रयोग अकेले या संयोजन से किया जा सकता है। पहला है एंटी थायरॉयड दवा, दूसरा है गोलिड या लिक्विड डोज में रेडियो एक्टिव आयोडीन, तीसरा सर्जरी। अगर थायराइड ग्रंथि उसके एक हिस्से को हटाना पड़े तो हमको कभी कई बार सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म पर ट्रीटमेंट हम लोग बोलेंगे तो 3 है, एंटी थायराइड दवा, रेडियो एक्टिव आयोडीन और सर्जरी। अब थायराइड हार्मोन की गोलियों लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, रोजाना इन गोलियों को लेने से पहले अपनी स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्हें हर दिन एक ही समय पर लेना चाहिए। गोली नाश्ते से कम 30 से 30 मिनट पहले खाली पेट पानी के साथ लेना चाहिए। थायराइड हार्मोन को एक ही ब्रांड का उपयोग करना चाहिए। अगर आपका ब्रांड बदल दिया जाए तो अपने डॉक्टर से थायराइड टेस्ट की आवश्यकता के बारे में पूछना चाहिए। हो सकता है हमारा थायराइड का कंट्रोल बिगड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि ब्रांड ना चेंज करें। हेलो, हाँ नमस्कार, बताइए आपका सवाल। नमस्कार, मैं संगीता मित्तल हूँ, रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ की सदस्य हूँ। अच्छा। मैं डॉक्टर जी जानना चाहती हूँ कि मेरा थायराइड मेरा 15 साल से चल रहा है। मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया और उन्होंने जो मेडिसिन मेरी फिक्स की थी एमजे की, वो मैं ले रही हूँ लगातार। तो मैं जानना चाहती हूँ कि हमें कितने रेगुलर इंटरवल्स पे इसको डॉक्टर को फिर से दिखाना चाहिए और चेंज कराने हैं, जैसे कि अगर हमें कितने रेगुलर इंटरवल्स पे डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि जैसे मुझे हो गया है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को हो, तो मैं क्या उसके लिए प्रिकॉशन ले सकती हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा संगीता जी। तो पहला सवाल आपका ये है कि कितने अंतराल में हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा सवाल है कि हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे परिवार में यदि किस लोगों को ना हो ये। ठीक, तो यह डिपेंड करता पेशेंट टू पेशेंट पर। हमें 3 महीने में लगभग एक बार थायराइड की जांच करके डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। और जब भी हम डॉक्टर से मिलने जाएं तो उनसे पूछ ले कि अब हम कितने दिन बाद टेस्ट कराएं। अगर कोई पेशेंट बहुत स्टेबल होता है तो कई बार हम उनको साल में भी एक बार बुलाते हैं। अगर किसी का बहुत अनकंट्रोल चल रहा है थायराइड तो हम उनको 6 हफ्ते से लेकर 2 महीने भी बुला सकते हैं। तो यह डिपेंड करेगा पेशेंट टू पेशेंट। अगर हमारा बहुत अच्छा कंट्रोल में थायराइड चल रहा है तो मिनिमम 1 साल तो जरूर करा लेना चाहिए। अगर थायराइड की दवाई में हमारे बदलाव हुआ है, डोज चेंज हुआ है, कंट्रोल ठीक से रह नहीं रहा है, तो हमको 6 हफ्ते से लेकर 2 महीने में करना चाहिए। अच्छा जी, डॉक्टर मेरा तो स्टेबल है वैसे, लेकिन हाँ फिर भी मैंने कहा कि कोविड टाइम चल रहा है तो हम हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले, क्योंकि टेस्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा ना लैब वगैरह, तो टेस्ट जाने से पहले डॉक्टर को हम हमेशा टेस्ट कराते हैं। Yes. तो पर मेरा दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर, मेरे परिवार में किसी को ना हो आते उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा जो है इसका कोई सलूशन नहीं है कि जिससे हम थायराइड का प्रिवेंशन कर सके। बहुत सारी रिसर्च हुई और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को यूटिलाइज किया गया, पर बहुत अच्छा हमें कुछ एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिला कि हाँ हम ये करें तो बेहतर हो सकता है। कुछ स्टडीज में यह बताया गया कि अगर हम सिलीनियम अच्छे अमाउंट में लेते हैं तो थायराइड की दिक्कत होने का डर कम रहता है, या कुछ कुछ गोइट्रोजेंस होते हैं जैसे कि ब्रासिका ग्रुप ऑफ वेजिटेबल, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सोयाबीन, इनको अगर कम ले तो थायराइड की दिक्कत कम होने का डर रहता है। पर अगर मैं बोलूँ आधिकारिक तौर पर कोई गाइडलाइन अगर कोई कुछ कहती हो तो वो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा इसका कोई अभी सोल्यूशन नहीं है। तो अगर हमें रिस्क है थायराइड की दिक्कत होने का, तो अगर हमको कोई लक्षण हो रहा है तो हमको थायराइड टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर हमारी उम्र 35 साल के ऊपर है तो एक बार जरूर थायराइड टेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद हर 3 साल में करना चाहिए। ओके,
तो मतलब इसका कुछ ऐसा वो नहीं है कि हम कुछ घर में अपने खान पीन में चेंज कर सके हैं, बस केवल गोभी ये मतलब ये है कि ये सब हम कर सकते हैं, पर कितना इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, प्लस माइनस है। कुछ स्टडीज में ये कहता है कि हाँ इसमें फायदा हो सकता है, कुछ स्टडीज में ऐसा आया कि नहीं, कुछ ज्यादा फायदा है नहीं। तो बहुत अच्छा जवाब इस सवाल का नहीं है। जैसे थायराइड एक ऑटोइम्यून बीमारी है, तो ऑटोइम्यूनिटी इज द मदर, थायराइड उसका एक बच्चा है। तो अगर जो कोई बीमारी ऑटोइम्यूनिटी के कारण और कोई बीमारी हो सकती है, वो होने का कभी कभी डर रहेगा। और दूसरा चीज जो है कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, अगर हमारा बहुत अनकंट्रोल्ड थायराइड चल रहा है तो कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, खून की कमी या पीरियड्स में अबनॉर्मलिटी, ये होने का डर रहता है। अगर हमारा थायराइड अच्छे से कंट्रोल है तो ये सारी दिक्कत होने का चांस बहुत कम होता है। बस सिवाय ऑटोइम्यून डिजीज के कारण अगर यदि कुछ हो सकता है तो बात अलग है। ऑटोइम्यूनिटी वो होता है कि किसी कारण से हमारी इम्यूनिटी हमारे बॉडी से ही लड़ने लगती है, और ऑटोइम्यूनिटी हमारे थायराइड को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए वहां पे हार्मोन तैयार नहीं होता, और इसी कारण हमको लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ती है। तो थायराइड स्मार्ट रहने के कुछ कुछ टिप्स हैं। अगर आपको भी थायराइड महसूस हो तो अपने चिकित्सक से परामर्श ले, अपने चिकित्सक के निर्देशानुसार अपनी दवा ले, अपनी दवाई को ना छोड़े, अपने चिकित्सक से परामर्श लिए बिना ब्रांड या खुराक को ना बदले। यदि लक्षण बने रहते हैं तो आप वापस आ जाते रहें और अपने डॉक्टर को बताएं। अपना ख्याल रखने के लिए समय 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 निकालें। थायराइड स्मार्ट रखने के लिए और कुछ टिप्स है, क्या करें क्या ना करें। अपने थायराइड की दवा अपने पास हमेशा रखें। कृपया नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलते रहें। अगर आपको परिवार में किसी सदस्य को, दोस्त को थायराइड की समस्या लक्षण नजर आता है तो चिकित्सक से परामर्श लेने ले जरूर। थायराइड मेडिकल पर आप रहते हुए अगर आप गर्भवती हैं तो गर्भावस्था की योजना या गर्भावस्था की योजना बना रहे तो चिकित्सक से जरूर सलाह। मतलब अगर हम थायराइड की दवाएं ले रहे हैं और हम प्रेग्नेंट हो गए या हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हमें डॉक्टर से जरूर इस चीज के बारे में चर्चा करना चाहिए। अक्सर जब हमें प्रेगनेंसी हो तो हमारी थायराइड की जरूरत लगभग 50% से बढ़ जाती है, तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे बच्चे में मतिमंदता होने का डर रहता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम जब यह कर रहे हैं तो जरूर अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर हमें हार्ट की बीमारी है तो हमें इसके बारे में अपने चिकित्सक से जरूर डिस्कस करना चाहिए कि हमें यह दिक्कत है और क्या नहीं करना चाहिए। थायराइड की खुराक लेने से नहीं भूलना चाहिए, हमें रेगुलर उसे लेना चाहिए। अपने भोजन या पेय पदार्थों के साथ अपने थायराइड की दवा ना ले, मतलब कम से कम आधा घंटा से लेकर एक घंटा का गैप रखें। अगर आप अन्य दवा लेते हैं तो अपने चिकित्सक से जरूर डिस्कस करें क्या हम ये दवाई ले सकते हैं इसके साथ या नहीं। अपने डॉक्टर के सलाह के बिना दवा बंद नहीं करना चाहिए और ब्रांड या खुराक में भी बदलाव नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग पूछते हैं कि थायराइड में हमारा डाइट क्या होना चाहिए। तो सिंपल आंसर है, देयर शुड बी नो चेंज। हाइपोथायरॉयडिज्म से प्रभावित होने वाले लोगों में आहार सामान्य स्वास्थ्य वाले लोग जैसा होना चाहिए। कई बार मिथक है, कई बार हमको बहुत सारे जगह पे मिलता है कि हमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब चीज नहीं खाना है। कुछ मेडिटेरियन कंट्रीज में वो लोग बहुत ज्यादा एक एक किलो, दो दो किलो काफी मात्रा में इन चीजों को खा लेते, उस डोज में यह दिक्कत करता है। जितना नॉर्मल हम आम भारतीय खाते हैं 50 ग्राम 100 ग्राम उतने डोज में यह थायराइड के ऊपर बहुत कम असर करता है। तो अगर हमें थायराइड की बीमारी है तो हमें एक्चुअली बहुत ज्यादा कोई चीजें अवॉइड करने की जरूरत नहीं है।
हमें नॉर्मल डाइट यानी कि साबुत अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, फल, सेब, संतरा, अंगूर, सब्जियां, ये सब लेना चाहिए। खाना पकाने के साथ तेल जैसे ऑलिव ऑयल या वनस्पति ऑयल का इस्तेमाल करें। तो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल आदमियों का डाइट होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा विशेष फर्क नहीं है हाइपोथायरॉयडिज्म के डाइट में। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मिथक के बारे में। थायरोक्सिन प्रतिस्थापन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, या अक्सर कई बार लोगों के मन में सोचा थायराइड की, जैसे अक्सर लोग सोचते हैं कि हाँ ये बाहरी चीज है हम दे रहे हैं ये इसका साइड इफेक्ट होगा। तो थायरोक्सिन अक्सर बहुत ही सेफ दवाई है, वो सेम हार्मोन है जो हमारे शरीर में तैयार होती है उसी को बाहर से दिया जा रहा है, तो इसका अक्सर बहुत कम साइड इफेक्ट रहा। अगर हमें ओवरडोज हो रहा है, हम ज़्यादा दवाई ले रहे हैं उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है तो बात अलग है, नहीं तो ये बहुत सेफ दवाई है, इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। एक और सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, मोटापे से ग्रस्त है हमारा वजन जो है थायराइड के कारण कम नहीं होता। ये कई बार लोग आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा मोटापा थायराइड के कारण है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट चीज है जान ले सब की, जो है हाइपोथायरॉयडिज्म से अक्सर 3 से लेकर 5 किलो वजन बढ़ता है, और जो है हम अपने वजन को थायराइड से ना जोड़े, उसको ना दोष दे, हम अपने डाइट और एक्सरसाइज पे एक्स्ट्रा ध्यान दें। अगर हमारा थायराइड नॉर्मल है तो हमारा वजन थायराइड के कारण नहीं है। एक बार अगर थायराइड की बीमारी हो जाती तो उसकी दवाई हमेशा लेनी पड़ती है। हाइपोथायरॉयडिज्म को तो ठीक नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है, एक बार दवाई स्टार्ट हो गई उसको हमेशा लेना पड़ेगा, पर जो है दवाई लेने से बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा, एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, आज से 150-200 साल पहले जिनको भी थायराइड की दिक्कत होती थी वो लोग जल्दी खत्म हो जाते थे, कोई अच्छे से इलाज उपलब्ध नहीं था, पर शुक्र है अभी बहुत छोटी सी एक गोली लेनी पड़ती है और थायराइड उससे बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता था। नहीं तो पहली बार जब थायराइड का इलाज किया गया था कई शिप थायराइड को देना पड़ा था, तब जाके थायराइड कंट्रोल हुआ था। तब से ट्रीटमेंट तो बहुत आसान हो गया और अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। आगे बढ़ने से एक प्रश्न है, उसको हम लोग लेते हैं। हेलो, हाँ तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कुणाल जी। अगर हमें फ्रैंक हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब जहां पे हमारा डॉक्यूमेंटेड TSH 10-12 के ऊपर रहा है पहली बार या एनी टाइम इन बिटवीन द ट्रीटमेंट, तो ऐसे स्टेज में अगर थायराइड की दिक्कत हुई है तो इसमें अक्सर हम लोग थायराइड की दवाई बंद नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें हम लोग बंद करेंगे तो फिर से थायराइड का कंट्रोल हमारा बिगड़ जाएगा और TSH बिगड़ जाएगा। पर कई बार अननेसेसरी बॉर्डरलाइन TSH पे जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उस स्टेज में अगर नॉर्मल TSH आ जाए तो हो सकता है बंद हो जाए। तो अगर सवाल का सिंपल जवाब अगर मैं दूं, क्लियर कट फ्रैंक हाइपोथायरॉयडिज्म में जहां पे TSH डॉक्यूमेंटेड 10-12 के ऊपर था शुरुआत में ट्रीटमेंट से और या ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तो उसमें ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। अगर बॉर्डरलाइन TSH रहा है तो हो सकता है कि दवाई बंद हो जाए, क्योंकि कई बार उसमें एक्चुअली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की भी शायद जरूरत नहीं होती है। जो थायरोक्सिन गोली है उसको अक्सर हम लोग खाली पेट खाते हैं, उसको खाने के आधे घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना, इवन लिक्विड भी नहीं लेना, चाय कॉफी दूध लस्सी छाछ कुछ नहीं। किसी दिन अगर भूल जाए तो उस दिन बाद में भी ले सकते हैं, पर उसको खाने के 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद कुछ ना खाएं। अगर अगले दिन याद आए तो अगले दिन डबल डोज ले ले, 2 दिन बाद आए तो ट्रिपल डोज ले, इससे ज़्यादा ना भूले कोशिश करें। ओके, टेक केयर कुणाल जी। बच्चों में थायराइड की कोई भूमिका नहीं होती है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, थायराइड हार्मोन जो है हमारे मस्तिष्क के सामान्य रूप से विकसित होने के लिए बहुत आवश्यक है, साथ ही साथ जो है हमारे हाइट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चों में भी थायराइड हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें उसे अच्छे से नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है।
सो ये रहा दोस्तों थायराइड के बीमारी के बारे में, हमने बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किया, थायराइड की क्या बीमारियां हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है, उसका निदान कैसे करें, क्या टेस्ट किया जाए, कैसे थायराइड की बीमारी के वक्त क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है। तो आगे बढ़ने से पहले और एक प्रश्न पूछा जा रहा है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, तिमोर हमारा पढ़ा हुआ था, अपने थायराइड की जांच कर रहे थे, थायराइड रजिस्ट्रेशन लिख रहे थे, क्या उसका समाधान कोई हो सकता है सर? थायराइड हानिया बहुत है, थायराइड हार्मोन का रेजिस्टेंस का जरूर अच्छे से इलाज होता है, उसमें जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, अगर जैसे जो सिम्टम्स हैं हमको उसका इलाज करना होता है। थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस एक रेयर फॉर्म ऑफ थायराइड की बीमारी है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर हिस्से में जो है थायराइड हार्मोन ठीक से काम नहीं कर पा रहा और रेजिस्टेंस हो जाता है।